नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जेनिटल वार्ट गुप्तांग में अगर मत्स्य हो जाए और इसके वजह से किस प्रकार के लक्षण और किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस या किस प्रकार के स्थितियां पैदा हो सकती हैं उसके बारे में इस वीडियो में आज आप तक जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। जेनिटल वार्ट या पुरुषांग या महिलाओं के योनि मार्ग में होने वाले वार्ट या मत्स्य एक प्रकार के इस तरह के इन्फेक्शन है जिसको लेकर के काफ़ी हद तक जो है थोड़ा सीरियस होना चाहिए हर पेशेंट्स को। जेनिटल वार्ट एक सॉफ्ट ग्रोथ होता है, एक नरम एक ग्रोथ होता है जो जेनिटल पार्ट्स में गुप्तांग में आता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की कैटेगरी में आता है। जिसके कारणों के बारे में अगर बात करें तो जो HPV होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो स्ट्रेन है 6 और 11, इसके माध्यम से ये बीमारी मत्स्यों के रूप में फैलता है शरीर में। और कई बार हाई रिस्क के स्ट्रेन जो हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, ये गर्भाशय ग्रीवा को कैंसर तक के स्थिति में जरूर ले जा सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक कॉमन STI इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। आमतौर पे ये पुरुषों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है। जेनिटल पार्ट्स में ये ट्रांसमिट होने के पीछे ओरल सेक्स या एनल सेक्स या वेजाइनल सेक्स के माध्यम से ये फैल सकता है या फैलता है। ये कई बार शुरुआत में पता नहीं लगने देता है कि मत्स्य डेवलप हो रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, या दिखाई भी देते हैं तो काफ़ी छोटे से साइज में दिखाई देते हैं, स्किन के कलर में या डार्कर कलर में दिखाई देते हैं। कई बार ये इंटरनल गुप्तांग के अंदर रहता है तो पता नहीं लगते हैं, धीरे धीरे सिम्टम्स इसके लक्षण पैदा होने लगते हैं जैसे जलन, खुजली, महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज और कई बार ब्लीडिंग की स्थिति भी पैदा हो जाता है। और ये मत्स्य जो है ये पुरुषांग में, महिलाओं के योनि मार्ग में या बाहरी हिस्से में स्क्रॉटम में, पुरुषों के ग्रोइन एरिया में, महिलाओं के वेजाइना के बाहर वाले हिस्से में, इवन पुरुष या महिलाओं के लिप्स में, टंग में, जुबान में, इन स्थानों पर भी ये मत्स्य डेवलप हो सकते हैं। आमतौर पे ये जेनिटल वार्ट्स जो हैं वो गुप्तांग के अलावा जो है एनल रीजन में भी दिखाई देते हैं, मलद्वार के अंदर या बाहरी हिस्से में भी ये दिखाई दे सकते हैं। कई बार ये इतने छोटे होते हैं कि नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इसके डिस्चार्ज या जलन या खुजली के सिम्टम्स से पता लगाया जाता है कि जेनिटल वार्ट्स का इन्फेक्शन हो गया है। और कई बार इनकी साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पेनफुल और अनकम्फर्टेबल सिचुएशन भी पैदा हो सकता है। 90% जेनिटल वार्ट जो होता है वो लो रिस्क के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 वाले स्ट्रेन्स के द्वारा फैलता है। 30-40% जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के स्ट्रेन जो है वो स्किन कॉन्टैक्ट में, मतलब किसी को अगर मत्स्य हो गए हैं तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो है ये टच में भी फैल सकता है। ये अक्सर 30-40% लोगों में ऐसा होता है। अगर किसी को भी गुप्तांग में मत्स्य हो जाए तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। और कई बार जो हाई स्ट्रेन ग्रुप्स के इन्फेक्शंस होते हैं वो कैंसर तक की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। इसको ध्यान रखते हुए चिकित्सकीय परामर्श और टेस्ट जो भी डॉक्टर लिखते हैं उसको कराने चाहिए। इलाज की कई पद्धतियाँ हैं जिसमें इलेक्ट्रोकॉटरी के माध्यम से या क्रायो सर्जरी के माध्यम से या लेजर सर्जरी के माध्यम से लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ऑप्शंस है जेनिटल वार्ट को बिना
एक्सकीशन या बिना कॉटराइजेशन या बिना लेजर सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कोई भी परेशानी अगर ऐसा डेवलप हो रहा है या आपको दिखाई दे रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप निकटतम डॉक्टर से संपर्क बनाएं और उस चीज़ का उचित जांच करवा करके जो भी ट्रीटमेंट वो बताते हैं उस ट्रीटमेंट को आप ज़रूर लें। अगर इस प्रकार के जेनिटल वार्ड से आप काफ़ी समय से परेशान हैं और मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।